वेलकम टू माई न्यू ब्लॉग। ऐसा भी हो रहा है सुबह के 6:40 और नोट गया हूँ। आज है 28 दिसंबर 28 20। चलिए कस पहले तो सीधी बात तो बकवास, अपना ब्लॉग शुरू करते हैं। अभी मैं उठ गया हूँ, जैसे कि कल के ब्लॉग मैंने आपको बोला था, सुबह उठ के पिनड्राइव में फ़ोटोस वगैरह डालना है। अभी उसकी ज़रूरत नहीं है क्योंकि आज कोई भी नहीं जा रहा है स्कूल, संभव या फिर मेरे फ्रेंड को एक, कोई भी नहीं जा रहा है स्कूल। क्यों नहीं जा रहा है मैंने कल के ब्लॉग में आपको बताया था, कोई भी नहीं आ रहा है ना इसको, खाली टाइम पास हो रहा है बस। चलिए अब फिलहाल मैं उठ गया हूँ। अभी तो बाहर बहुत ज़्यादा सर्दी है, 6:40 हो रहा है ना, 7:15 तक जाएंगे हम लोग वॉकिंग या साइकिलिंग करने जो भी, क्योंकि जब तक थोड़ी धूप आ जाएगी ना अच्छा है ना, इतनी सर्दी में जाना नहीं होता अभी हफ्ते से। और आज हमें बिजनेस स्टडीज़ और इकोनॉमिक्स के कम दोनों सब्जेक्ट के दो दो चैप्टर करना है गाइस, और कल पूरा दिन मैथ्स करेंगे क्योंकि परसों री एग्ज़ाम है ना मैथ्स का, तो कल मैथ्स करेंगे, आज बिजनेस स्टडीज़ और इकोनॉमिक्स के दो दो चैप्टर कर लेंगे क्योंकि 29 से प्री फाइनल से पूरा पोर्शन रहेगा ना इसीलिए। चलिए फिलहाल थोड़ी देर में 8 बॉल पूल खेल लेता हूँ या फिर कैरम किंग कुछ भी खेल लेता हूँ, और फिर जैसे टाइम होता है हम लोग साइकिलिंग या वॉकिंग को जाएंगे। ओके चलिए स्टे ट्यून्ड। 3 hours later। सो गाइस फिलहाल अब टाइम हो रहा है 10। मतलब सीन ऐसा था जब मैं बैठ गया था सोफे पर, इच 7:10 तक बैठा, फिर आ गया रूम में। रूम में बातें बातें की मम्मी डैडी के साथ, न्यूज़पेपर पढ़ा और थोड़ा कुछ काम कर रहे थे टैब में। हाँ फिलहाल अब डैडी जा चुके हैं, मम्मी भी बाहर गए हैं, मैं घर पर अकेला हूँ। मतलब मैं, दादी बाजी है बस, दीदी अपना कॉलेज गई है, टीवी देख रहे थे टाइम पास कर रहे थे। अब गाइस सीन ऐसा है मैं नहाने जा रहा हूँ, नहाकर आकर कल के दोनों ब्लॉग्स एडिट करना है, एडिट करके शेड्यूल लगाना है, और शेड्यूल करने के बाद हम लोग पढ़ेंगे। ओके बिजनेस स्टडीज़ और इकोनॉमिक्स, सबसे पहले बिजनेस स्टडीज़ स्टार्ट करेंगे, बिजनेस स्टडीज़ हो जाएगा फिर इकोनॉमिक्स करेंगे हम लोग। ओके चलिए अब फिलहाल मैंने गीज़र खोल दिया है, जब तक पानी गर्म होता है बैठ जाता हूँ इधर ही, और फिर हम लोग ना करेंगे गर्म गर्म पानी से। ओके तो मैं आपसे मिलता हूँ 1/2 आवर के बाद, स्टे ट्यून्ड। गाइस फिलहाल मैं नहाकर आ गया हूँ, अब चलिए अब ब्लॉक एडिटिंग करते हैं कल की, फिर उसके बाद दोनों भी शेड्यूल पे लगा देंगे हम लोग। शेड्यूल में सोचा लैपटॉप से, लैपटॉप बोल रहा हूँ, फ़ोन से ही कर दो। चलिए देखते हैं फिलहाल क्या सीन रहता है, मैं पहले एडिटिंग कर लेता हूँ, एडिटिंग करके आप लोगों को सुनाता हूँ। ओके फिर पढ़ना भी है नाम है। सो गाइस फिलहाल अब टाइम हो रहा है शाम के 4, मतलब जब एडिटिंग मैंने दोनों ब्लॉग्स की कर दी थी, दोनों ब्लॉग्स को शेड्यूल पे भी लगा दिया था, वो भी फ़ोन में, फ़ोन से शेड्यूल कर रहा था मैं, इसलिए मुझे इतना टाइम लग गया। अब फिलहाल दोनों ब्लॉग शेड्यूल हो गए हैं, और ये देखिए मेरे पीसी को क्या कर रहा हूँ मैं, मतलब मैं अपने पीसी को रीसेट कर रहा हूँ। ये देखिए रीसेटिंग दिस पीसी, 68% हो गया है, मतलब वाईफाई ठीक से नहीं चल रहा है, बहुत स्लो है ना ये, मतलब बहुत ज़्यादा फाइल्स होंगे इसमें, तेज़ स्लो है ये, रीसेट कर दे रहा हूँ पूरा। जितने भी फाइल्स थे मतलब मैंने देख लिया है, कुछ काम के नहीं थे फाइल्स, जो भी काम के थे पेनड्राइव में डाल दिया मैंने, अब ये रीसेट हो रहा है पूरा स्टार्टिंग से, मतलब जो भी डालेंगे वगैरह इसमें, अपने यूट्यूब के डिटेल्स और जो भी काम की चीज़ है वो सबको डालेंगे। ओके ये 68% हो गया है, 10-15 मिनट्स रुक जाते हैं, अगर ये 100% नहीं हुआ तो मैं जिम जाऊँगा, मतलब जिम के लिए बात करने बाजू में है इधर, ओनली 50-100 मीटर्स। ये हमारी बिल्डिंग, ये दूसरी बिल्डिंग, ये जिम, मतलब दूसरी बिल्डिंग है बाजू में, उसके ऊपर ही है जिम, उधर ट्रेनर भी रहता है, मैं रोज़ सब जगह वॉकिंग करता हूँ, मैं देखता हूँ जिम है उधर। चलिए अब देखते हैं, 10-15 मिनट्स रुक जाते हैं, 10 मिनट्स रुक जाते हैं, अगर ये 100% हो गया तो ठीक, और आप पीसी सेट करके जाएंगे, और अगर नहीं हुआ तो उधर जाके बात करके आ जाएंगे, और कल से स्टार्ट करेंगे जिम।
अगर जिम कल से स्टार्ट हो गया तो आज तो चीट डे बनाना पड़ेगा, कुछ खाना पड़ेगा बाहर का। चलिए देखते हैं, इसे हो जाने दीजिए। सो गाइस ये देखिए जस्ट होने वाला ही है। डोंट टर्न ऑफ योर पीसी, दिस विल टेक अ वाइल, योर पीसी विल रिस्टार्ट सेवरल टाइम्स। चलिए गाइस से काम करते हैं पूरा, जब ये हो जाता है कंप्यूटर बंद करके जब भी जाते हैं जिम। ओके पता नहीं जिम में बात करने को भी कितना टाइम लगेगा, वो भी है ना 4:12 हो रहा है ना। काम करते हैं, 5 बजे जाते हैं जिम, 5 बजे तक ही आराम से हो जाएगा। ओके चलिए। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर, फाइनली गाइस अब सिर्फ खाली सेटिंग करने की ज़रूरत है। तो चलिए अब मैं इसकी सेटिंग कर देता हूँ कंप्यूटर की पूरी, फिर ये स्टार्ट हो जाएगा। गाइस फाइनली अपना पीसी ऑन हो गया है, गेट स्टार्टेड। चलिए गाइस 4:47 हो रहे हैं, करेक्ट डेट सब कुछ करेक्ट है। 5 o'clock को हम लोग जिम जाएंगे बात करने। ओके चलिए स्टे ट्यून्ड। सो गाइस फिलहाल अब मैं जा रहा हूँ जिम को बात करने के लिए, अभी खाली बात करने जा रहा हूँ गाइस, ज्वाइन तो कल से करेंगे। चलिए और रात का सीन ऐसा रहेगा गाइस, मतलब ट्यूशन जल्दी जाना पड़ेगा और जल्दी आना पड़ेगा क्योंकि रात को मूवी जा रहे हैं अवतार 2। मेरा तो जाने का मन नहीं था गाइस, मैंने तो बोला भी था पर डैडी ने फ़ोन करके बोला जाते हैं तो मैंने भी ओके बोल दिया। मैंने अवतार 1 ही नहीं देखी, अब 2 देख रहा हूँ, देख लेते हैं गाइस क्या कर सकते हैं। देखने का मेरा मन तो है नहीं पर जाना पड़ेगा। चलिए सबसे पहले जिम जाते हैं, जिम की बात करके आते हैं क्या सीन रहता है जिम का। सो गाइस आ गए वो बिल्डिंग में, बात कर लिए। अब गाइस घर जाके एक बार मम्मी को बोलना पड़ेगा, मम्मी डैडी से बात करेंगे। मुझे नहीं लगता कि मुझे ज्वाइन करने देंगे क्योंकि फीस बहुत ज़्यादा है। मैं आपको घर जाके बताऊंगा गाइस पूरे डिटेल्स, मतलब मैंने जाके उनसे क्या बात की, उन्होंने मुझसे क्या बात की वगैरह वगैरह। क्या करना है गाइस, ज्वाइन तो करना है कुछ क्योंकि बिल्डिंग में से मतलब हो नहीं रहा है मुझसे वॉकिंग या साइकिलिंग वगैरह। अगर मैं कहीं ज्वाइन करूँगा तो मेरे दिमाग में रहेगा अरे यार पैसे भर दिया है, जाना पड़ेगा, करना पड़ेगा। चलिए अब घर जाकर देखते हैं क्या रहता है, बोलता हूँ मैं मम्मी को। सो गाइस फिलहाल मम्मी से तो बात हो गई है, मुझे तो नहीं जाना है गाइस जिम, छोड़ दीजिए फीस बहुत ज़्यादा है। मतलब विदाउट ट्रेनर 1100 है गाइस, विदाउट ट्रेनर हमको करना नहीं है, विद ट्रेनर ही करना है, विद ट्रेनर 5000। नहीं मुझे तो नहीं जाना है, लाइट ले लीजिए क्योंकि डैडी तो बोलेंगे एक बार चले जाओ पर फीस भरने के टाइम पे मुझे लगता है छोड़ दीजिए। अपनी कोचिंग ही अच्छी हो उससे अच्छा तो, मैंने मम्मी को बोल दिया है डैडी से पूछ लो, मतलब डैडी ने मुझसे बोला, मम्मी ने मुझसे बोला फिर डैडी से पूछो पहले तो जिम के लिए, मैंने तो जब ही नहीं बोल दिया, मैंने बोला चलिए जिम का लू छोड़ दीजिए कोचिंग ही चले जाऊँगा मैं, नहीं चाहिए मुझे जिम, कोचिंग ही जाएंगे फिलहाल। अभी तो मैं मार्केट जा रहा हूँ, उस दिन ग्राफ बुक नहीं मिली थी ना गाइस पर आज चाहिए ग्राफ बुक, जाते हैं और लेके आते हैं, बस ग्राफ बुक मिलनी चाहिए। चलिए जाते हैं। इस घर पर आ गया हूँ, ग्राफ बुक मिल गई है फाइनली। चलिए गाइस सब टाइम हो रहा है 6:40, 10 मिनट बैठ जाते हैं और फिर ट्यूशन जाएंगे क्योंकि 9 o'clock मूवी का शो है, तो 8:15-8:20 तक मुझे घर आना पड़ेगा। ओके 10 मिनट्स बैठ जाते हैं, कुछ खाया भी नहीं है मैंने, चलिए देखते हैं क्या सीन रहता है। फिलहाल तो अब मैं 10 मिनट्स बैठ के ट्यूशन जाता हूँ।